फिरोजाबाद में शनिवार को लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में फिरोजाबाद की महात्मा गांधी रोड पर स्थित बड़े गुरुद्वारे में लोहड़ी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहले कीर्तन, फिर संगत और उसके बाद रास के कार्यक्रम के बाद लंगर का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पे फिरोजाबाद के काफी सिख समुदाय के लोग एक साथ जुटे और उन्होंने लोहड़ी के पर्व का आनंद लिया। फिरोजाबाद से अजय शर्मा एवं सहयोगी श्री कृष्ण चित्तौड़ी, SKH न्यूज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे प्रिय भाइयों, आज जो ये लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी भी परिवार में बेटा हो या बेटी हो, जब नवजात आती है तो उसके लिए हर आदमी खुशियां मनाता है। और हमारे गुरु जी का कहना है कि बेटा हो या बेटी हो, सभी पर पूर्ण रूप से उत्साह के साथ ये लोहड़ी का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही खुशी का दिन होता है और आज के दिन सभी शहर में, देशों में, विदेशों में भी ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ पर जो साथ संगत है, ये भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और खुशियाँ मना रही है। इसलिए अभी हमारे यहाँ जो कीर्तन प्रोग्राम चला 1 घंटा, हमारे ज्ञानी हरमिंदर सिंह जी और करनैल सिंह जी द्वारा कथा कीर्तन हुआ ऊपर, उसके बाद अरदास हुई और ये गुरु का प्रसाद और चाय का लंगर जो वितरित हो रहा है, ये संगत की तरफ से ही सारी सेवा होती है और संगत ही सेवा करती है। और इसी तरह से आशा करता हूँ कि संगत गुरु घर के चरणों में सेवा करती रहेगी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।